हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आपके लिए खुशखबरी है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है। NTA ने अपना फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया है नीट 2024 का। अभी इसके पहले जो आंसर की इसने इन्होंने दिया था वो था प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये है कि बिना रिवाइज किए NTA ने अपना दिया था आंसर की, यानी कि NTA के माध्यम से जो क्वेश्चन का आंसर था वही दिया था। लेकिन जो ये फाइनल आंसर की आ रहा बच्चों, इसमें जो क्लेम किया गया था, जो इंस्टीट्यूट, जो बच्चे ने क्लेम किया था कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, उस क्वेश्चन को NTA ने देखा, उसको रिवाइज किया और फाइनल अपना आंसर की रिलीज किया है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके नंबर बढ़ने वाले हैं अभी तक, ठीक है ना। जो थे उसमें आपका +4 नंबर आपके ऐड होने वाले हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें कैसे ऐड होगा, कौन सा नंबर था, कौन सा क्वेश्चन था? इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिवाइज किया गया है बच्चों, जो आपका फिजिक्स का है, ठीक है। फिजिक्स का इस साइड में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 Q1 कोड का है, जिसमें एटम्स की बात की गई है, ऐसा क्वेश्चन था उसमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर पहला और तीसरा दोनों सही है। अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पहला और तीसरा आंसर टिक करा है, मार्क करा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनका नंबर बढ़ेगा, सियोरिटी के साथ उनका नंबर बढ़ने वाला है। और आप कमेंट करके हमें बच्चों ज़रूर बताना किसका किसका नंबर बढ़ रहा है, खुशी के लिए बता देना यार, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ, चलो ठीक है बच्चों का नंबर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि भैया जी मेरा भी नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आप ज़रूर बताना मुझे कि किसका किसका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि और किसी भी सब्जेक्ट में लाइक एच बायो में कोई भी बोनस मार्क नहीं है, और आपका केमिस्ट्री ये भी पेपर सही था, इसमें भी कोई बोनस मार्क आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन में आपको +4 नंबर बोनस मार्क मिलेगा, ठीक है ना, जो कि Q1 कोड का क्वेश्चन नंबर 19 है। बाकी और भी बच्चे हैं जिनका अलग अलग कोड था, वो क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो, Q1 कोड का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है ना। एटम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें जो करेक्ट था वो आंसर आपका। बाकी वही क्वेश्चन आपके Q2 कोड में, Q3 कोड में अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, आंसर भी वही रहेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है हर कोड में, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी, आपके +4 नंबर बढ़ने वाले। और लेकिन जो बच्चे उस आंसर को नहीं किए हैं, यानी कि बी और डी लास्ट वाला अगर टिक कर रखे हैं, उनके लिए -1 जाएगा, ठीक है ना। इनके लिए थोड़ा दुख की बात है, वो -1 जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 1 और 3 नंबर को मार्क किया है, उनके लिए +4 मार्क प्लस होगा, बोनस में मिलेगा, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री और बायो में कोई बोनस मार्क नहीं है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिसको NTA ने अपना बोनस के रूप में दिया हो, ठीक है ना, सिर्फ फिजिक्स का दिया है। बाकी आप इस NTA की नोटिस को, इस आंसर शीट को, आप आंसर की को आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइड में देख सकते हैं आप, गूगल पे सर्च करिएगा NTA नीट 2024 नोटिस, आप वहाँ पे देखोगे पहला आपका जो वेबसाइट लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका डाउनलोड खुल जाएगा। मैंने क्या किया था, एक बार डाउनलोड कर लिया, इसलिए मुझे से अगेन बोल रहा है कि डाउनलोड करने के लिए। तो आप वहाँ से आपको पूरा जितने उसका कोड है Q1 Q2 जितने भी कोड है वो आपके सारे के सारे निकल के आ जाएंगे, और अपना आंसर की देख सकते हैं वहाँ से। बच्चों एक इसमें ब्लेंडर की बात है, ब्लेंडर हुआ है क्या कि ये जो Q1 कोड का 19 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यही आंसर किसी कोड में रिवाइज ही नहीं किया, वो पुराना ही रह गया है। तो आप इसमें डरो मत, ठीक है ना, डरने की इसमें कोई बात नहीं, हो सकता है NTA अपना दोबारा कोई नोटिस दे, आपको बताए कि आपका बोनस मार्क मिलेगा भले ही वो रिवाइज नहीं हुआ है अलग अलग QR कोड में, Q1 कोड या जो भी आपके कोड हैं पेपर के उसमें रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर मिल रहा है, बोनस नंबर ऐड करने के बाद आपका नंबर कौन कितना हो रहा है, ठीक है। ये तो खुशखबरी की बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर आप खुश हो गए हैं हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर आएँ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूं आगे भी, आपके एग्जाम से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, अगर कहीं पे कोई भी आता है अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप बढ़िया से खुश हो सको, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, हैप्पी हैप्पी, बाय बाय।